हेलो गाइस, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज हम आप लोगों को बताएंगे यूट्यूब बैनर के बारे में, यूट्यूब चैनल के बैनर कैसे बनाते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप स्टेप बाय स्टेप जान लीजिए कैसे बनाते हैं। मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर चल के लाइव दिखाता हूँ। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल लाइव। उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या चाहे तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा तो उसमें आप मन चाहे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें प्रीमियम होता है। तो बेटर होगा आप डिस्क्रिप्शन में जाके और वहां से डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं यहां से पिक्सल लैब को ओपन करता हूं। ये आपको न्यू टेक्स्ट दिख रहा है, न्यू टेक्स्ट को यहां से आके डिलीट ऑप्शन पे आके इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद यहां से तीन डॉट पे क्लिक करना है। तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद इमेज साइज सिलेक्ट करना है। इमेज साइज सिलेक्ट करके सिंपल हम आपको यूट्यूब थंबनेल ले लेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखिए सबसे लास्ट में दिख रहा है, यहाँ हमें क्लिक करना है और यहाँ से इसका कलर चेंज करना है। तो कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद ओके करता हूँ। फिर अपने को उसके बगल वाला आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद हमें आना है, देखिए प्लस आइकन पर क्लिक करना है। प्लस आइकन पर से फ्रॉम गैलरी, गैलरी में आके यहाँ से कुछ मटेरियल, जो जो मटेरियल मैं यूज करने वाला हूँ मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड करके और स्टेप बाई स्टेप मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ आने के बाद यहाँ से मैं उसका ले लेता हूँ। ये पहले देखिए, पहला स्टेप बाय स्टेप आप लीजिएगा कौन सा मैं आइकन पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए ब्लैक, इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके तो यहाँ कलर है, कलर पे आपको एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं आप भी। मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ रिलेट ओके करने के बाद देखिए यहाँ से पहले इसका रिलेटिव साइज में आके विड्थ एंड हाइट को 100% ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ रिलेटिव पोजीशन में आके इसको पोजीशन कर लिए, पोजीशन में सेट हो गया। उसके बाद इसको लॉक कर देंगे। लॉक
तो ओके करेंगे। ये हो गया, उसके बाद आपने तो सिंपली यहाँ सेव पर आके सेवा इमेज में आना है। सेवा इमेज में आने के बाद पीएनजी में आके यहाँ पीएनजी सेलेक्ट करना।